वीवो वी 30 या फिर वीवो वी 30 प्रो में स्क्रीन को लिफ्ट कैसे कर सकती है, या फिर चाहे तो आप एक साथ डबल ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं, चला कैसे सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी आप यूज कर रहे होंगे और साथ ही में आप इंस्टा चलाना चाहते हैं, तो एक साथ आप दो एप्लीकेशन अपने डिस्प्ले पे ही कैसे चला सकते हैं, आपको मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ वीवो वी 30 या फिर वीवो वी 30 प्रो में। तो ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पे, तो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा। ले जाता हूँ अपने फोन डिस्प्ले पे, तो सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाने हुए, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी करके, तो सिंपली शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिंपली स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, स्वाइप अप टू 3 फिंगर स्लिप्ट स्क्रीन, तो सिंपली इसे इनेबल कर दीजिएगा। और रिकमेंडेड स्प्लिट स्क्रीन ऐप, तो सिंपली इसे भी क्लिक कीजिएगा। और मैसेज स्प्लिट स्क्रीन, इससे भी आपको इनेबल कर देनी होगी। तो सिंपली यहाँ इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूब ओपन कर लिया। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, 3 फिंगर आपको लेना है, 3 फिंगर से ऊपर की ओर करना है। ऊपर की ओर करने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो डबल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे मेरे पास है इंस्टा, तो दोनों यहाँ पे इंस्टा भी मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे देख लीजिए यूट्यूब यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह यहाँ पे स्क्रीन को स्लिप्ट कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे एक साथ आप डबल ऐप को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।